नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार को नीट का रिजल्ट जारी हुआ, इसमें जबलपुर के भी कई बच्चों ने बाजी मारी। जबलपुर धनवंतरी नगर साई कॉलोनी निवासी सात्विका दुबे नीट के एग्जाम में चौथी रैंक पाई। उन्हें 720 में से 616 अंक प्राप्त हुए हैं। सात्विका ने कहा कि उन्होंने एग्जाम देते वक्त खुद अधिक स्कोरिंग के लिए देखा था, रिजल्ट भी उम्मीदों पर ही आया। वे कहती हैं कि पढ़ाई के लिए उन्होंने कोचिंग के अलावा खुद को बहुत टाइम दिया। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया है। जी, मैंने सिक्स स्टैंडर्ड से ही निर्णय ले लिया था, नीट का एग्ज़ाम दिया था मैंने, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये, और मेरे इसमें 616 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 720, और रैंक 3378 आई है। और इसमें मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे लिए, खासकर मम्मी का। मुझे इंस्पिरेशन डॉक्टर बनने के लिए भी मम्मा से ही मिली, और मैंने 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ाई करी। NCERT पर ज़्यादा फोकस किया, सोशल मीडिया से दूर रही, स्मार्टफोन से दूर रही। और मैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जाना चाहती हूँ, आगे चल के न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ। इनका रिजल्ट खुलने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो मेरा सपना था। आज लग रहा है कि इसी की मैं डॉक्टर बन रही हूँ। तो इनको सोशल मीडिया से दूर रखा, और बच्चे को क्या है कि बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या करना है उसको, छोटा बच्चा है। जब तो सिक्स में जब ये पहुंची, तब हमने एक सपना दे दिया था इनको कि डॉक्टर बनना है, और बनना है डॉक्टर का। रिस्पेक्ट मिलती है इस फील्ड में, आप मानव सेवा करना चाहते हैं तो वो मिलता है इनको। जबलपुर थाना बेलखेड़ अंतर्गत जालोद मार्ग पर घरेलू विवाद को लेकर कल्लू बर्मन और उसके बेटे महू बर्मन के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलते ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर बर्मन समाज के दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे। विवाद होता देख विभाग ASI लेखराम ने उसे निपटाने की कोशिश की, जिससे खफा होकर बर्मन समाज के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। आरोपियों ने पत्थर और लाठियों से ASI लेखराम आरक्षक राजकुमार सहित डायल 100 के चालक पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। आनंद फानंद में घायल पुलिसकर्मियों को जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर घटना के बाद कई अन्य थानों की पुलिस भी जालौन गांव पहुंची। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद से हमलावर अपने घरों से ताला लगाकर मौके से फरार हैं। जबलपुर SP अमित सिंह को भी इस घटना की जैसे ही सूचना मिली, वह भी घायलों को देखने अस्पताल पहुंच गए। जालौन गांव है बेलखेड़ा थाने का, वहां से सूचना आई थी कि आपस में कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। हमारी जो टीम वहां पहुंची, झगड़ने वाले लोग हमारी टीम पर ही अटैक किया, जिसमें हमारे ASI लेखराम को चोटें आई हैं। इसके अलावा एक कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं। सभी को चिन्हित कर लिया गया, 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। शीघ्र ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।